बॉबी जेमिनस न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी शाह ने 5 घंटे मैराथन बैठक कर तैयार किया नई एनडीए सरकार का खाका। घटक दलों पर टिकी सभी की निगाहें। नरेंद्र मोदी 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं उनकी सरकार की कैबिनेट में चेहरों को जगह दी जाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ मंगलवार को उनकी आवास पर करीब 5 घंटे तक मैराथन बैठक चली है, जिसमें नई एनडीए सरकार के गठन के लिए मंच तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल में शाह की एंट्री की अटकलें तेज। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शाह की एंट्री अटकलें तेज हो गई है। मंत्रिमंडल में शाह की एंट्री की अटकलें तेज। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शाह की एंट्री की अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने भारी जनादेश के साथ लोकसभा चुनाव जीते हैं। पार्टी का एक धड़े का मानना है कि शाह को सरकार में शामिल है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए अधिकतम अंक हासिल किए हैं। साथ ही साथ एक धड़े का तर्क है कि वहां अपना प्रबंध नहीं छोड़ेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि शाह ने अपनी भूमिका के बारे में 30 मई तक कोई जानकारी नहीं देने वाले हैं। मोदी शाह की कई दिनों से कर रहे मंथन। माना जाता है कि एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर मोदी और अमित शाह की जोड़ी पिछले कुछ दिनों से विचार कर रही है। इस बीच दोनों नेता अहमदाबाद और वाराणसी यात्रा के दौरान भी एक साथ रहे, ताकि मंत्रिमंडल को लेकर विचार विमर्श किया जा सके। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने बंद दरवाजे के बीच विचार विमर्श किया है, जिसकी कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। एनडीए के घटक दलों पर टिकी निगाहें। जानकारी के अनुसार अमित शाह ने बीजेपी की सभी राज्य इकाई के अध्यक्षों और नेताओं से सरकार के गठन पर जानकारी और सुझाव मांगे हैं। बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्व उत्तर में 88 में से 84 लोकसभा सीट जीती है। सभी की निगाहें एनडीए के घटक दलों जैसे शिवसेना, जेडीयू, एलजेपी, अकाली दल और एआईएडीएमके की मंत्रालय मंडल में भागीदारी पर टिकी है। स्मृति ईरानी को मिल सकती बड़ी जिम्मेदारी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके गट अमेठी में हराने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि स्मृति ईरानी को एक महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, लेकिन कई नई सरकार में पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की स्थिति पर कोई स्पष्टता नहीं है। पिछली सरकार में विदेश मंत्री रही स्वराज राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में से किसी की भी सदस्य नहीं है, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण बताकर उन्होंने लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। शपथ ग्रहण करने में बिम्सटेक के नेता होंगे शामिल। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी 30 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। यह शाम 7 बजे भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाएगा, जिसमें बिम्सटेक के नेता भी शामिल होंगे। बिम्सटेक में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल है। वहीं इस बार पाकिस्तान के पीएम को न्योता नहीं भेजा गया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।